गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। ये देखिए, रात को बारिश पड़ी थी, थोड़ी थोड़ी पड़ी है, पर हल्की हल्की सी छत के लिए हुई है, ज्यादा तो नहीं हुई है। हवा भी चल रही है अभी, बट ना कल तो बहुत तेज आंधी चल रही थी, बहुत तेज। छत पे लोग ना ऐसा देखते हैं जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं शूट करती हूँ ना तो ऐसे देखते हैं छत पर। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और नहाने के बाद अपनी किचन में मैं बनाने जा रही हूँ आज मलाई कोफ्ता। तो गाइस, मैं अभी आ चुकी हूँ अपनी किचन में, और ये मैंने फ्रिज खोला है, फ्रिज में से ले रही हूँ मैं 3 से 4 टमाटर। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज मलाई कोफ्ता। तो काफ़ी दिन से मन कर रहा था मेरा भी, बच्चों का भी, सोचा बना लेते हैं। और ये मैं चॉपिंग कर रही हूँ, ये मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं बड़े बड़े, और 2 प्याज लिए हैं, अदरक लहसुन वगैरह एक प्लेट में हम काट लेंगे ग्रेवी के लिए। के साथ साथ भी मैं चॉपिंग कर रही थी, उसी टाइम हमारा दूध वाला आ गया है, दूध लेके भी आ गया है। तो दूध मैं इस टाइम कम ही मंगा रही हूँ, क्योंकि मैं तो पी नहीं सकती 15 दिन के लिए, मेरी थोड़ी स्किन एलर्जी है, उसके लिए मेरे दही दूध वगैरह सारी चीज़ें बंद कर रखी है, मेरे हस्बैंड का भी, मेरा भी। बट कोई नहीं, बच्चों के लिए मंगा लेती हूँ मैं। ये मेरे सारे खड़े मसाले हैं, जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, और ये बादाम है क्योंकि काजू नहीं थे, और तेज पत्ता है। कोई नहीं, जो भी है घर में वो इस्तेमाल करो। और ये सारी चीजें ग्रेवी के लिए हैं, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक। तो 3 टमाटर हैं, 2 प्याज हैं, उसी हिसाब से मैं ग्रेवी बना रही हूँ, क्योंकि जितना मेरा सामान है। और ये देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से, ये सामान लगता है इसमें, ध्यान से देख लो क्या है पीछे से। और ये मेरा ऑयल गरम हो चुका है, इसमें मैं जितने भी खड़े मसाले हैं सारे डाल दूंगी। हल्का सा येल्लो तो ना लग रहा ऑयल, मैगी वाली ब्लॉक की तरह? नहीं नहीं, पक चुका है मेरा, पक चुका है ऑयल, और जीरा भुन चुका है। तो जीरा वीरा सारी खड़े मसाले भुन चुके थे, उसके बाद में ये मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, मैंने नमक डाल दिया है 1/2 चम्मच। उसके बाद इसे अच्छे से चला लेंगे, हमने ये चला लिया है। और चलाने के बाद में इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे, इसे अच्छे से कुक होने देंगे, इसको हम ढक देंगे। और ये मैंने 3 आलू लिए हैं, क्योंकि मैं मलाई कोफ्ते के कोफ्ते बनाने हैं। तो उसके लिए पनीर मैंने 100 ग्राम लिया था, पनीर हमें ज़्यादा नहीं लेना, 3 या 4 आलू ले लो, आलू ज़्यादा नहीं लेने, बट मैंने 3 लिए हैं क्योंकि कोफ्ते का टेस्ट ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें 2 से 3 चम्मच, अभी तो मैं ये पनीर मैंने डाल दिया था, मैं दिखाना भूल गई पनीर। और ये मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना हमें। हरा धनिया नहीं था, हरा धनिया काफ़ी महंगा हो चुका है, तो इस वजह से मिला ही नहीं। और 2 से 3 चम्मच हमें इसमें मैदा डालनी है, तो मैदा को भी हम अच्छे से। और ये मैंने इसमें नमक डाला है अब मैंने इसमें, और नमक के बाद हल्की सी लाल मिर्ची पाउडर डाला है। और ये मैंने 2 हरी मिर्च भी काटी थी, मैंने इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं ना उसी तरीके से। इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, मतलब बैटर रहना हमारा, मतलब गीला नहीं रहनी चाहिए ये हमारा जो है इसका बैटर। और देखो मेरा काम के साथ साथ दूध भी निकल जाता अभी, बट ये गोल गोल बना रहे हैं ना बिल्कुल कोफ्ते की शेप, हमें बिल्कुल फटनी नहीं चाहिए, आराम आराम से हल्के हाथ से हमें गोल गोल लोइयां बनानी है, जैसे हमारी आटे की लोई, जब हम रोटी बनाते हैं इस तरह से हमारी लोई परफेक्ट होती है ना, उसी तरीके से हमें बिल्कुल
गोल चाहिए, इसमें बीच में से कहीं से फटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे कोफ्ते फट जाएंगे। तो ये तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ सरसों के तेल का फ्लेवर ही अच्छा लगता है, और रिफाइंड होता तो रिफाइंड भी डाल लेती कोफ्ते में, बट रिफाइंड नहीं था घर में। हम लोग यूज़ नहीं करते, बहुत कम खाते हैं हम लोग रिफाइंड, क्योंकि रिफाइंड सूट नहीं करता हमारी फैमिली को। तो इसे धीरे धीरे चलाएंगे, एकदम पहले तो हम इसे हाई फ्लेम पे करेंगे, फिर हमें मीडियम फ्लेम पे कर देना है इसे, ताकि अंदर से भी पक जाएं। ऐसा नहीं है कि मीडियम फ्लेम पे, नहीं तो हमारे फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये हमारी ग्रेवी भी पक चुकी थी, तो ग्रेवी को मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है फिर से, इसमें मैंने एक चम्मच देसी घी भी डाला था बट मैं दिखाना भूल गई, कोई नहीं। और ये मैंने इसमें एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, ताकि हम ऑयल में डाल देना तो उससे हमारी ग्रेवी का कलर काफ़ी अच्छा आता है। तो ये मैंने स्टील का चमचा यूज़ कर लिया। आप लोग वो मत कहना कि नॉनस्टिक के बर्तन में स्टील का चमचा यूज़ कर लिया, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, बट चेक कर सकते हैं। और ये मैंने इसमें डाली है ग्रेवी में धनिया पाउडर डाला है, और इसके बाद मैंने थोड़ा ही नमक डाला है, क्योंकि मैंने ग्रेवी बना रही थी उस टाइम भी नमक डाला था। और मैंने 2 चम्मच मलाई में थोड़ा सा दूध था उसको मिक्स करके इसमें मैंने डाल दिया, क्योंकि मलाई कोफ्ता है, इसमें मलाई नहीं होगी तो मलाई कोफ्ते का टेस्ट ही क्या है, इसीलिए तो इसका नाम मलाई कोफ्ता रखा गया है। और ये मैं इसमें कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ, कस्तूरी मेथी से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। और ग्रेवी को हमें ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ज़्यादा मतलब पतला रखना है, अपने हिसाब से रखना है। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची मैंने और डाली है। सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, उसके बाद हम इसको सर्व करवाएंगे गरमा गरम। तो इस सब्जी का एक ध्यान करना पड़ता है हमें, क्योंकि मलाई कोफ्ते हैं ना, कोफ्ते हमारे क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्यों हमें मतलब जब हमारी ग्रेवी मतलब सब्जी हमें सर्व करनी है ना, उसी टाइम हमारी ग्रेवी मतलब कि पहले हमें इसमें कटोरी में कोफ्ते रखने हैं, उसके बाद में हमें ऊपर से ग्रेवी डालनी है। ग्रेवी में मतलब कोफ्ते डालकर नहीं रखने, नहीं तो हमारे कोफ्ते हैं ना वो टूट जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब रेस्टोरेंट में ये सब्जी आती है तो इसी तरीके से आती है, ये कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो ऊपर से इसमें ग्रेवी डालनी है हमें, ना कि हमें ग्रेवी के अंदर कोफ्ते डालने, नहीं तो ये टूट सकते हैं और बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएंगे। और ये हमारी ग्रेवी अच्छे से अभी पी लेगी कोफ्तों को। कितना सॉफ्ट है मेरा मलाई कोफ्ता, और इसको रख रही हूँ रोटी के टुकड़े के ऊपर, और इसके ऊपर एक प्याज भी है। ऐसा खाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। और ये ग्रेवी है, हाय ये मेरे मुंह में ठूसते ना, ये हमारे चाइना आपके मुंह में जाता है। तो ये है गाइस, क्या है ये आप लोग बताइए, ये है वैष्णो देवी का प्रसाद, वैष्णो माता का प्रसाद है ये। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड गए थे तो हम लोगों ने वहाँ पैसे चढ़वाए थे मतलब, तो वो प्रसाद लेके आए हैं वैष्णो माता का प्रसाद। तो इसको पहले मंदिर में लगाऊंगी भगवान जी के पास में, और फिर हम लोग खाएंगे सारे, क्योंकि दूर से जो भी प्रसाद आता है पहले भगवान जी को खिलाना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। और मैं प्रसाद लगा देती हूँ भगवान जी को, उसके बाद आप लोगों को भी खिलाऊंगी माता वैष्णो का प्रसाद। उंगली नहीं दब जाए तेरे अखरोट के चक्कर में, देखो कड़ा निकल गया। वाह अरे दे तो दे, वैष्णो माता का प्रसाद है। तो गाइस ये आप लोगों को खिलाने वाला है अखरोट, आ जाइएगा खा लीजिएगा, ये वैष्णो माता का अखरोट। मुझे
हाथ नहीं दबा लिए इसमें, उंगली दब गई ना तेरी। हाँ। तो टूट जाएगी अखरोट की तरह ही। ओ तेरी दरवाजा टूट, क्या कर रही है? तो फ्रेंड्स को खिलाओ चार नवाब के हाथ की रोटी। तो ये मेरे लिए रोटी रोटियां बना रही है क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने कही मुझे आज गर्म रोटी खानी है, वैसे तो रोज मैं ठंडी खाती हूँ सबको खिलाने के बाद में, बट मेरा भी आज गर्म रोटी खाने को मन कर रहा है। आप खिलाओगे मुझे गर्म रोटी? जी जरूर। ओके ये सब खा चुके हैं, बस थोड़ी सी ग्रेवी बची है बस मेरे लिए, तो मैं उसको कर रही हूँ गरम। मैं भी खाऊंगी भाई, रोटी पे घी लगाया जा रहा है। खाने जा रही हूँ खाना, एक बार और खा लीजिएगा, अच्छी है, यम्मी टेस्टी है। किसे खिला खिला के मोटा कर दूंगी? सब्सक्राइबर को। ओह ये क्या कह रही है, सब्सक्राइबर को मोटा करवा देगी खिला खिला के? कोई बात नहीं, मोटे लोग भी अच्छे लगते हैं, गंदे तो नहीं लगते। हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है। हमारे जो चांद नवाब हैं वो 2.5 महीने बाद अपने स्कूल गए थे, तो इनसे पूछिएगा इन्हें स्कूल जाकर कैसा लगा। माइक लगाओ। ये मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था। 2.5 महीने बाद मैंने अपनी बेंचेस देखी, अपने बैग देखे, बैग तो चल देख ही रहा था, अपने फ्रेंड्स की शक्ल देखी वो भी देख ही रहा था फोन पे, पर मैंने अपने टीचर्स की शक्ल देखी वो भी देख ही रहा था अपने क्लास में, पर मैंने वो बोर्ड देखा, डस्टर देखा, चौक देखा, माइक हटा ली। हाँ, तो मैंने बोर्ड देखा, डस्टर देखा, चौक देखी, और मुझे देख के कितना आनंद प्रतीत हुआ कि मैं ऐसा मन कर रहा था कि मैं खुशी से नाच पढूं, मतलब स्कूल में ही रहे, पूरे स्कूल की झाड़ू लगा के पूरे स्कूल को साफ कर दे, स्वच्छ भारत अभियान एक कदम रास्ता की ओर। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि स्कूल हमारे 2 बजे तक खुले। चलो गाइस, तो आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।